हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, बीएड के एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में जो है एक यूनिवर्सिटी ने अपने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस किया है एंड साथ ही साथ फॉर्म फिलअप का भी डेट निकाला है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है इसको जानेंगे, साथ साथ जो है कब एग्जामिनेशन होंगे ये भी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड जो है आपको लाइव क्लासेस जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, जो 4 बजे लिया जाता है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एक नोटिस निकला हुआ है, ये जो यूनिवर्सिटी है ये AKU है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? AKU यूनिवर्सिटी से जो है ये नोटिस है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है इस यूनिवर्सिटी की, तो आप जो है हमसे नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स जो है आप लोगों को दिया गया है। कैसा नोट्स है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो नोट्स में पहले सबसे पहले आपको जो है गेस क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में से जो है आप लोगों को 100% है कि 80 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आप लोग का इसमें से मिक्स मैच कर ही जाएगा। कोई इसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि हर एक वही क्वेश्चन उठाया गया है जिससे कि जो कि बार बार एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इतना जो है आप लोगों को गेस क्वेश्चन दिया गया, ज्यादा भी नहीं दिया गया, 9 से 10 क्वेश्चन जो है आप लोग का गेस रहेगा। इसके बाद से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया हर एक टॉपिक को अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ये देख सकते हो ये चाइल्डहुड का है, चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, पिक्चर वाइज भी समझाने की कोशिश की गई है जिससे कि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। और ये बाइलिंगुअल है, तो अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश देख सकते हो, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी देख सकते हो। तो ये बेनिफिट जो है इस नोट्स का रहेगा। तो नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए जो नंबर दिया गया है उसको आप उस पर आपको जो है मैसेज करना है, नोट्स परचेज कर देख लो आप लोग। नोटिस जो है ये दिया गया है, सबसे पहला ये जो नोटिस है ये फॉर्म फिलअप से रिलेटेड है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे डेट आपको देख लो, 4 मई से स्टार्ट है फॉर्म फिलअप और 17 मई यहां तक निर्धारित की गई है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये दिशा निर्देश दी गई है कि इस तरह से एग्जामिनेशन लेना है। सभी छात्र छात्राएं प्रथम वर्ष की महाविद्यालय के पूर्ण बकाया शुल्क, ये इसलिए भी दिया गया है कि अगर आपका फीस कोई भी बचा हुआ है तो आप फीस जल्द से जल्द जमा कर दे, अदरवाइज जो है आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। ये आपको नोटिस है। अब आइए डेट देखते हैं कि कब से एग्जाम दिया गया है। AKU का है, आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, बिहार से ये है। बिहार के अब बीएड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कब कब एग्जाम होगा, तो अब ये एग्जाम का सिलसिला जो है स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले देखो बीएड फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक है, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। जो आप लोग का एग्जामिनेशन का स्टार्टिंग डेट है 31 मई है, 31 मई से स्टार्ट होने वाला है, और सबसे पहला पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और टाइमिंग 2 से 5 है। ठीक है, इस तरह से ये सारे एग्जामिनेशन चलेंगे 31 मई के बाद। 2 जून को है, 5 जून को है, 7 जून को, 9 जून को, 12 जून को, मतलब कि गैप दिया गया है जिससे आप एक दिन एग्जाम देकर आओ तो दूसरे दिन प्रिपरेशन करो एंड देन नेक्स्ट डे जो है आप एग्जामिनेशन देने जाओ। तो इस तरह से जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन का स्केड्यूल दे दिया गया है। 14 जून को जाकर के जो है एग्जामिनेशन आपका खत्म हो रहा है, जो कि पेडागोजी पेपर के थ्रू रहेगा। जो भी आपका पेडागोजी पेपर है वो आप एग्जाम देने जाओगे। देखो लास्ट में भी यहाँ पे लिखा गया है प्रैक्टिकल वर्क को लेकर के, सेशनल प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड फ्रॉम 15 यानी 15 जून से 17 जून को जो है प्रैक्टिकल आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, 15 जून से 17 जून के बीच में आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 20 मई है। फिर उसके बाद लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म हार्ड कॉपी, आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका हार्ड कॉपी निकाल करके जो सबमिट करोगे तो वो आपका डेट जो है 22 मई है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट उनको अटैच करना पड़ेगा। सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ इंटरनल वाइवा ओरल प्रैक्टिकल 72 आवर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन दे दिया गया है AKU की तरफ से। तो AKU के स्टूडेंट्स, अब आप जो है प्रिपरेशन में लग जाए, और आप लोगों को अब अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, अपना टाइम जो है अच्छे से मैनेज करना है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।